हाय फ्रेंड्स, इजी एंड हेल्दी रेसिपी में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ये सुपर डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, गांव की याद दिला देने वाली एक ऐसी चटनी की रेसिपी जो कि खास स्पेशल हमने एक इंग्रेडिएंट के साथ बनाई है। तो देखिए क्या है वो। यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है ये ब्लैक ब्लैक कलर का, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये आलू है। आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है आग में, और ये देखिए इस तरीके से इसका जो है छिलका थोड़ा ऊपर से हट जाता है, तो इसका मतलब ये भुन गया है। आग में भुने हुए चटनी का ना एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम स्मोकी स्मोकी। साथ में हरा धनिया और हरी मिर्ची, ये चीज़ें ली है मैंने। अब हम क्या करेंगे, आलू को अच्छे से ये छील लेंगे। ऊपर से इसकी मोटी सी लेयर हटती है, तो इस तरीके से हम ये मोटी लेयर हटा देंगे और सारे आलूज को हम जो है अच्छे से छील लेंगे। बहुत ही हेल्दी टेस्टी चटनी बनती है ये, और सबसे बड़ी बात कि ये आपको एकदम गाँव की याद दिला देगी। इसको डाल देंगे आप मिक्सी के जार में, साथ में डाल देंगे ये हरी मिर्ची और हरा धनिया। आपने बचपन में इस चटनी को बहुत खाया होगा, बट वो उसका एक क्या होता है कि हम लोग जब उसको सिलबट्टे पे पीसते थे, लेकिन अब बहुत से घरों में सिलबट्टा नहीं होता है, तो हम मिक्सी में भी इसको आराम से बना सकते हैं। आपकी बहुत ईजीली ये चटनी बन के तैयार होगी। और ये साथ में डालेंगे हम इसमें लस्सी, पानी का यूज़ नहीं करना है इसमें, लस्सी का यूज़ करना है। उसी से वो जो है एकदम आपको मम्मी के हाथ का गांव वाला जो है टेस्ट आएगा। इसको पीस लिया है मैंने यहाँ पे, और हमारी जो है चटनी वो बनके अभी हो जाएगी तैयार। थोड़ा सा इसको मोटा रखना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है इसको, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इसका। ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आया ना, एकदम बहुत ही टेस्टी होती है। आपको एकदम घर की गाँव की याद दिला देने वाली है। इसको गर्म गर्म रोटी, मक्खन और लस्सी के साथ आप इंजॉय कीजिए, और बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आज मेरी जो 30 इजी एंड हेल्दी रेसिपीज़ हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। आपने अगर मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करना कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो मैं आगे और भी इसी तरीके से कुछ कुछ चैलेंज की डेज के हिसाब से रेसिपीज लेके आ सकूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी।